हेलो माय डियर्स, मैं हूं निशाम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरसीटीआई गैन। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं ईमेल और जीमेल में फ़र्क क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़, ईमेल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आप पहले कोई संदेश बाई पोस्ट या चिट्ठी के माध्यम से भेजते थे तो उसे थोड़ा सा समय भी लगता था, अब वही सारी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजते हैं तो उसको ईमेल कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब जीमेल और ईमेल में फ़र्क क्या है। तो जीमेल जो है वो गूगल का एक हिस्सा है, यानी गूगल ने जीमेल को बनाया है जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर मीन्स यानी जिसे जीमेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, याहू मेल हो गया या हॉटमेल हो गया, ये सब क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें ईमेल आईडी यानी ईमेल का पता प्रोवाइड करते हैं। अब ईमेल का पता क्या है, जैसे आप अपना ईमेल आईडी बनाते हैं तो अपने ईमेल आईडी में अपना नाम और लास्ट नेम, यानी जैसे आपका नाम मान लीजिए कोई भी है, लास्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करके @gmail.com आप बनाते हैं, तो ये आपका पता है। तो यानी जैसे मान लीजिए पहले हम ऑफलाइन जो है चिट्ठी भेजते थे तो किसी के सामने वाले के पास जिसके पास भेजना होता था उसका पता डालते थे, तो इसी तरीके से सेम है, अगर हम वही चीज़ अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना चाहते हैं तो हमें एक पता की ज़रूरत होती है। वो पता हमें कौन देता है, वो पता हमें जीमेल देता है या फिर याहू मेल देता है या फिर रेडिफ मेल, हॉटमेल, ये लोग क्या करते हैं, हमें एक पता देते हैं। पता मतलब ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं, ईमेल आईडी यानी ये सब एक सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे हम कॉल लगाते हैं तो जैसे कोई भी कंपनी का सिम यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि Airtel आईडी या जियो कोई भी यूज़ करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, हमें कॉलिंग और डाटा प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से याहू मेल, रेडिफ मेल, जीमेल, ये लोग हमें एक ईमेल का पता प्रोवाइड करते हैं। इसलिए ईमेल और जीमेल कोई डिफरेंट नेम नहीं है, बल्कि यानी हम जो भी चीज़ करते हैं, चाहे याहू से करें या फिर जीमेल से करें, तो जो हम ईमेल करते हैं यानी हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करते हैं इसलिए उसको ईमेल कहा जाता है। तो अब हम चाहे जीमेल से करें या फिर याहू से करें या फिर रेडिफ मेल से करें तो उसको कहेंगे हम ईमेल ही, क्योंकि हम वो मैसेज जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इसीलिए कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जो कंपनियां हमें ईमेल आईडी प्रोवाइड करती हैं उन्हें सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, चाहे वो रेडिफ मेल हो, हॉटमेल हो, जीमेल हो, याहू मेल हो, ये सब जो हमें पता देती है उस पते को के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजते हैं तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल कहते हैं। तो ईमेल और जीमेल में कोई फ़र्क नहीं है, उसी शब्द का नाम हम लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजते हैं इसलिए उसको ईमेल कहते हैं, बाकी जो कंपनियां वो सब सर्विस प्रोवाइडर है। आई होप आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।